हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल वी टू मैथ्स क्लासेस। मैं दुर्गेश जोशी। स्टूडेंट्स, आज हमारा इंडिटरमिनेट फॉर्म्स चैप्टर का ये थर्ड लेक्चर है जिसमें हम एल हॉस्पिटल रूल पर बेस्ड क्वेश्चन करने जा रहे हैं। तो आज का ये हमारा क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये एक जनरलाइज क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, जो कि कॉम्पिटिशन्स में बहुत ही बार पूछा गया है और पूछा भी जाता है। तो देखिए, क्वेश्चन है इवेलुएट लिमिट एक्सटेंस टू इन्फिनिटी 1 + a/x^2 है। तो स्टूडेंट्स, इसके सॉल्यूशन को देखते हैं। तो हम यहाँ सपोज कर लेंगे कि लेट y इक्वल टू लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी 1 + a/x^2 अगर स्टूडेंट्स हम यहाँ पर डायरेक्टली लिमिट अप्लाई करें तो यहाँ पर देखिए आपको क्या मिलेगा। ये रफ में समझ लेते हैं, ये 1 + a/∞ (∞) ऐसा मिलेगा अगर हम लिमिट अप्लाई कर देते हैं डायरेक्टली। और आपको पता है कि अगर डिनोमिनेटर में इन्फिनिटी है तो वो वैल्यू जीरो हो जाएगी। डेट मीन्स ये हो गया 1 + 0 (∞). डेट मीन्स आ गया 1 to the power ∞। तो इसीलिए आज का हमारा क्वेश्चन 1 to the power ∞ पर बेस्ड है ये। तो देखते हैं, यहाँ पर हम इसे अब डिफाइन कर देंगे कि ये कौन सी फॉर्म है। ये फॉर्म हमारी हो रही है 1 to the power ∞ फॉर्म। अब स्टूडेंट्स, फर्दर जो कैलकुलेशन होगी इसकी, क्योंकि यहाँ पर आप देखें पावर में वेरिएबल है, तो जब भी पावर में वेरिएबल होगी तो लॉग ले कर ही सॉल्व करना हमारे लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो हम यहाँ लॉग ले लेते हैं, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड। तो आप लॉग ले लीजिए, तो ये लॉग वाई इक्वल टू लिमिट एक्स टेंस टू इन्फिनिटी लॉग 1 + a/x आ जाएगा, और बाय प्रॉपर्टी ऑफ लॉग ये x पहले लिखा जाएगा लॉग के। अब अगर स्टूडेंट्स हम यहाँ पर लिमिट अप्लाई करते हैं तो देखिए क्या आएगा, ये इन्फिनिटी हो गया, ठीक है। और यहाँ पर ये देखिए अंदर अगर हम अप्लाई कर रहे हैं तो लॉग 1 + 0, जैसा कि अभी आप देख रहे थे, तो लॉग 1 + 0 डेट मीन्स लॉग 1, और लॉग 1 की वैल्यू भी क्या होती है, 0। तो ये इन्फिनिटी इंटू 0 फॉर्म बन रही है। तो ये आपकी नेक्स्ट भी फॉर्म आपकी इंडिटरमिनेट फॉर्म ही बन रही है, इन्फिनिटी इंटू 0। अब फर्दर एल हॉस्पिटल रूल में जब हमें इंडिटरमिनेट फॉर्म मिलती है तो एल हॉस्पिटल रूल ये कहता है कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में जो फंक्शंस हैं आप उन्हें सेपरेटली डिफ्रेंशिएट कर दीजिए और देन लिमिट अप्लाई करिए। तो स्टूडेंट्स, अभी हमें डिनोमिनेटर में कोई फंक्शन नहीं मिल रहा है, तो आइए इसको हम इस फॉर्म में लिखते हैं। पहले तो इसको हम डिनोमिनेटर में कुछ वैल्यू लाने की सोचते हैं, तो जो हमें कहीं बाहर से नहीं लानी है, तो देखिए हम इसे इस तरह से लिखेंगे, लॉग 1 + a/x। यहाँ पर जो x है इसको आप 1/x फॉर्म में लिख दीजिए, तो ये डिनोमिनेटर में भी फंक्शन आपका मिल जाएगा। तो न्यूमरेटर में भी फंक्शन प्रेजेंट हो गया और डिनोमिनेटर में भी प्रेजेंट हो गया। अब अगर स्टूडेंट्स हम यहाँ पर फॉर्म देखना चाहें या डायरेक्टली लिमिट अप्लाई करके कि रिजल्ट आ रहा है या क्या निकल के आ रहा है वो देखना चाहें, तो फिर से लिमिट अप्लाई करेंगे तो देखिए ये अगेन लॉग 1 बन रहा है, क्योंकि ये जैसे यहाँ पर 0 हो गया था तो लॉग 1 अगेन यहाँ पर ये 0 बन जाएगा। और फिर से ये 1/∞, डेट मीन्स ये भी 0। तो न्यूमरेटर वाला टर्म और डिनोमिनेटर वाला टर्म दोनों 0 है, तो फिर से हमारी ये इंडिटरमिनेट फॉर्म बन के आ रही है। ये फॉर्म है 0/0। देन आप एल हॉस्पिटल रूल, अब जो मेन है कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को सेपरेटली डिफरेंशिएट करेंगे, आइए वो देख लेते हैं। तो लिमिट एक्स टेंस टू इन्फिनिटी, यहाँ पर आप इसे सेपरेटली डिफरेंशिएट करेंगे, तो लॉग का डिफरेंशिएशन 1/1 + a/x, एंड देन बाय चेन रूल जब आप इसका डिफरेंशिएशन करेंगे ब्रैकेट का, तो 1 का 0 और ये -a/x^2 लिखा जाएगा। और डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन करेंगे 1/x का, तो -1/x^2 आएगा। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर आप देख रहे हैं कि -1/x^2 और -1/x^2 न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में प्रेजेंट है, तो ये आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। और देन फर्दर जो कैलकुलेशन होगा वो मैं यहाँ लिख ले रहा हूँ कि लिमिट एक्स टेंस टू इन्फिनिटी। अब हमारे पास क्या रह रहा है, देखिए हमारे पास आ रहा है a/1 + a/x। और अब आप फिर से लिमिट अप्लाई करिए, या तो रिजल्ट आएगा या फिर से इंडिटरमिनेट फॉर्म आएगी, आइए देखते हैं क्या आता है। तो यहाँ पर न्यूमरेटर में a है, अपॉन में 1 + a/∞, डेट मीन्स
ये जीरो बन रहा है जैसे अभी आपने ऊपर देखा था। तो ये आपका रिजल्ट आ रहा है, मतलब यहाँ पर जो वैल्यू आ रही है वो a अपॉन वन डेट मीन्स a आ रही है। और लेफ्ट साइड में हमारा log y चल रहा था, तो log y इक्वल्स टू a, और हमने इस पूरे वैल्यू को ही y सपोज किया था, तो हमें y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो y इक्वल्स टू e टू द पावर a, y मीन्स गिवन क्वेश्चन है, तो इसका जो रिजल्ट आ रहा है वो आ रहा है e टू द पावर a। अब स्टूडेंट्स, मैंने अभी आपसे बोला था कि ये एक जनरलाइज क्वेश्चन है, तो जनरलाइज क्वेश्चन कैसे है स्टूडेंट्स, यहाँ पर देखिए, अगर आपके पास एग्जामिनर यहाँ पर ये वैल्यू चेंज कर सकता है, एक ही जगह पर कुछ भी वैल्यू दे सकता है, तो उसका रिजल्ट आप डायरेक्टली इस रिजल्ट को देखते हुए लिख सकते हैं। जैसे एक मैं एग्जाम्पल आपको देता हूँ, देखिए, अगर हमारे पास लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी है और यहाँ पर वन प्लस फाइव अपॉन एन टू द पावर एन है, मतलब इट मीन्स यहाँ पर वेरिएबल हमारा n के फॉर्म में है, और आप देखिए क्वेश्चन बिल्कुल उसी तरह से है, तो इसका जो रिजल्ट आपने निकाला वो निकाला e टू दी पावर a, मतलब यहाँ पर जो वैल्यू है वो एक्सपोनेंशियल की पावर में लिखी जा रही है। तो ये कॉम्पिटेटिव क्वेश्चंस होते हैं, इसमें आप डायरेक्ट आप बस कुछ सेकंड्स में अपने आंसर को फाइंड आउट कर सकते हैं, तो इसका जो रिजल्ट है वो e टू दी पावर 5 लिखा जाएगा। इसी तरह से यहाँ पर वो वैल्यू बदलता चला जाएगा, ए बी सी अल्फ़ाबेट्स भी दे सकता है, न्यूमेरिकल वैल्यू भी दे सकता है, जो भी देगा। आपको बस ये प्रोसेस याद रखनी है कि इसका जो रिजल्ट है वो ई टू दी पावर, यहाँ पर जो वैल्यू है वो एक्सपोनेंशियल की पावर में चली जाती है, तो आपका ये रिजल्ट कुछ सेकेंड्स में आ जाएगा। अगर सॉल्व करने जाएंगे तो टाइम लगेगा, तो इसलिए ये एक जनरलाइज क्वेश्चन है। आज का हमारा ये सेकेंड क्वेश्चन है, इवेल्युएट लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स। तो स्टूडेंट्स, इसका सॉल्यूशन देखते हैं। तो सपोज कर लीजिएगा कि लेट y इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 0 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स। तो स्टूडेंट्स, अगर हम यहाँ पर डायरेक्टली लिमिट अप्लाई करते हैं, तो देखिए 1 अपॉन 0 डेट मीन्स ये बनेगी आपकी इन्फिनिटी, माइनस फिर 1 अपॉन साइन जीरो, साइन जीरो की वैल्यू जीरो होती है, तो साइन स्क्वायर जीरो भी जीरो हो आपका, तो वन अपॉन जीरो डेट मीन्स ये आपका हो जाएगा इन्फिनिटी। तो ये फॉर्म बन रही है हमारी इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी फॉर्म। देन फर्दर स्टूडेंट्स, आगे आप यहाँ पर एलसीएम ले लीजिए नेक्स्ट स्टेप में, तो लिमिट एक्स टेंस टू जीरो यहाँ पर हमारा आ जाएगा साइन स्क्वायर एक्स माइनस का एक्स स्क्वायर अपॉन में एक्स स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर एक्स। अब अगर स्टूडेंट्स हम लिमिट अप्लाई करें और देखें रिजल्ट आ रहा है या क्या कुछ फॉर्म बन के आ रही, तो देखते हैं। तो देखिए लिमिट अप्लाई करेंगे तो अगेन ये जीरो माइनस जीरो डेट मीन्स ये जीरो हो गया, और डिनोमिनेटर में भी जीरो इंटू जीरो डेट मीन्स ये जीरो, तो ये जीरो बाई जीरो फॉर्म अगेन बन रही, मतलब इंडिटर्मिनेट फॉर्म बन जा रही है। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर देखिए, आपको साइन एक्स की अगर हम सीरीज मेथड एल्जेब्रिक मेथड मतलब सीरीज मेथड से करें, तो अगर हम सीरीज यहाँ पर अगर हमारे पास साइन एक्स की है, और जो आपको बताई गई थी साइन एक्स की सीरीज बहुत ही ईजी है, देखिए साइन एक्स की सीरीज होती है एक्स माइनस एक्स क्यूब अपॉन थ्री फैक्टोरियल प्लस एक्स टू द पावर फाइव अपॉन फाइव फैक्टोरियल। बताया गया था कि ये ऑड पावर में चलती है और अल्टरनेट साइंस में चलती है, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, देन अगला टर्म नेगेटिव आएगा, तो माइनस एक्स टू द पावर 7 अपॉन 7 फैक्टोरियल प्लस अप टू सो ऑन। तो ये हमारी साइन एक्स की सीरीज है, और यहाँ पर हमारे पास साइन स्क्वायर एक्स है, दैट मीन्स जो भी हम सीरीज लिखेंगे उसका स्क्वायर करके लिखेंगे। तो देखिए यहाँ पर हम इसको इस तरह से डिफाइन कर रहे हैं, लिमिट एक्स टेंस टू जीरो, तो ये हो जाएगी एक्स माइनस एक्स क्यूब अपॉन थ्री फैक्टोरियल प्लस, यहाँ पर हम इस सीरीज का केवल टू टर्म्स ही लेकर चल रहे हैं, बाकी टर्म्स को नहीं लिख रहे हैं क्योंकि सीरीज़ बहुत ही लेंदी है, उतना करने की कोई ज़रूरत नहीं है, और माइनस आपका एक्स स्क्वायर, सेम इसी तरह से डिनोमिनेटर में भी एक्स स्क्वायर, यहाँ पर भी आप सीरीज़ के केवल दो टर्म को लिखेंगे, एक्स माइनस एक्स क्यूब अपॉन थ्री फैक्टोरियल प्लस अप टू सो ऑन इसका होल स्क्वायर। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर जो मैं आपसे कहने जा रहा हूँ वो ये है कि अगर आप इस टर्म्स पर न्यूमरेटर में इस ब्रैकेट पर फोकस करें, तो आप इसे केवल टू टर्म्स, मतलब सीरीज तो वैसे बहुत लेंदी है लेकिन आप केवल टू टर्म्स पर फोकस करें, तो ये एक तरह से a माइनस बी के होल स्क्वायर की तरह हमें दिख रहा है, केवल अगर हम इन टू टर्म्स पर फोकस कर रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर आप ध्यान दें पहले, तो इसे हम x माइनस एक्स क्यूब अपॉन थ्री फैक्टोरियल का होल स्क्वायर समझ के अगर हम ओपन करते हैं, तो देखिए क्या रिजल्ट आएगा। तो ये एक्स स्क्वायर प्लस
x टू द पावर 6 अपॉन में 3 फैक्टोरियल का स्क्वायर माइनस 2ab डेट मीन्स 2x टू द पावर 4 अपॉन में 3 फैक्टोरियल, ऐसा कुछ बन रहा है। तो हम इसको इसी फॉर्म से लिखने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पर। तो देखें, लिमिट x टेंस टू 0, और आप इसे लिखेंगे, पहले आप पावर वाइज लिखिए, पहले देखिए सबसे लीस्ट पावर आ रही है x स्क्वायर, देन उसके बाद है 2 टाइम्स x टू द पावर 4 अपॉन में 3 फैक्टोरियल, फिर है x टू द पावर 6 अपॉन में 3 फैक्टोरियल का होल स्क्वायर, और ऐसे ही ये सीरीज आगे कंटिन्यू होती रहेगी। केवल इन टू टर्म्स को हमने, मतलब सीरीज का होल स्क्वायर ओपन करके हम लिख रहे हैं यहाँ पर। देन अगला टर्म क्या है, माइनस का एक्स स्क्वायर। अब डिनोमिनेटर में देख लेते हैं, डिनोमिनेटर में देखिए स्टूडेंट्स, अगर मैं यहाँ से इस ब्रैकेट से एक्स कॉमन लूँगा तो होल स्क्वायर है तो वो एक्स स्क्वायर बन के निकलेगा। तो एक्स स्क्वायर आपके पास पहले से प्रेजेंट है, तो एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर डेट मीन्स ये एक्स टू दी पावर 4 बन जाएगा, और यहाँ पर आप 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 3 फैक्टोरियल प्लस अप टू सो ऑन इसका होल स्क्वायर लिखेंगे। देन स्टूडेंट्स देखिए फर्दर, यहाँ पर देखें इस ब्रैकेट में ये एक्स स्क्वायर पॉजिटिव है और यहाँ पर ये एक्स स्क्वायर निगेटिव है, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। और अब हम जो लिखेंगे वो है लिमिट एक्स टेंस टू 0, यहाँ पर इसे आप फैक्टोरियल 3 को 2 से कैंसिल कर देंगे तो ये हो जाएगा माइनस एक्स टू दी पावर 4 अपॉन 3, और देन यहाँ पर एक्स टू दी पावर 6 अपॉन में 3 फैक्टोरियल डेट मीन 6, उसका स्क्वायर तो 36 माइनस अप टू सो ऑन हो गया। और यहाँ पर आप देखें तो डिनोमिनेटर में आपके पास है x टू दी पावर 4, 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 3 फैक्टोरियल प्लस अप टू सो ऑन का होल स्क्वायर। यहाँ तक क्लियर है? तो फर्दर देखें, तो अब स्टूडेंट्स देखिए, आपके पास डिनोमिनेटर में x की पावर 4 आ रहा है, अगर आप न्यूमरेटर से x की पावर 4 कॉमन ले लें तो इस डिनोमिनेटर में x की पावर 4 को हम कैंसिल कर सकते हैं। तो अगला स्टेप हमारा वही होगा, लिमिट x टेंस टू 0, मैं न्यूमरेटर से x टू दी पावर 4 कॉमन ले रहा हूँ तो हमारे पास ब्रैकेट में आएगा माइनस 1 अपॉन 3 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 36 माइनस अप टू सो ऑन, मतलब बाकी x के टर्म्स होंगे, और इसी तरह से यहाँ पर x टू दी पावर 4 हमारा कॉमन है पहले से ही, और 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन में 3 फैक्टोरियल प्लस अप टू सो ऑन, इस सीरीज का हमने स्क्वायर ओपन नहीं किया है, ये ऐसी रहेगी। तो x टू दी पावर 4 से आप x टू दी पावर 4 कैंसिल कर सकते हैं। और देन अब स्टूडेंट्स अगर हम यहाँ पर अब लिमिट अप्लाई करें तो देखें क्या रिजल्ट आता है। देखिए अगर हम लिमिट है हमारे पास x टू दी पावर x टेंस टू 0, तो देखिए बाकी टर्म्स जितने भी आगे आएंगे सब में x प्रेजेंट है, ठीक है, x की पावर्स प्रेजेंट है, एक्स स्क्वायर, फिर इसकी तरह से हायर पावर्स होंगी, और इसी तरह से यहाँ भी एक्स स्क्वायर है, फिर उसके बाद उसकी हायर पावर्स प्रेजेंट है यहाँ पर। तो जब हम लिमिट अप्लाई करेंगे तो केवल जो टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x हैं केवल वही बचेंगे, बाकी टर्म्स क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे। तो यहाँ आएगा आपके पास न्यूमरेटर से माइनस का 1 अपॉन 3 और डिनोमिनेटर से 1, बाकी सारे टर्म्स में x प्रेजेंट है इसलिए वो 0 हो जाएगा। तो यही हमारा फाइनल आंसर आ रहा है इस क्वेश्चन का, y इक्वल टू माइनस 1 अपॉन